आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, the table below show the difference between inhaled air and exhaled air. Answer the following questions about exhaled air. Why has the oxygen content decreased? देखो क्वेश्चन के अंदर हमें इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर गिवन है, ठीक है। इनहेल्ड एयर में हमें देखो यहाँ पे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स गिवन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन। देखो इनहेल्ड एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो है दैट इज अराउंड 20.7 एंड इन एक्सहेल्ड एयर ऑक्सीजन कितनी है, 40। एंड हमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है कि इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन 20.7 है जबकि एक्सहेल्ड में कितनी है, 40। तो यही बताना है व्हाई हैज द ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज्ड। तो देखो जब इनहेलेशन की प्रोसेस होती है, इनहेलेशन की प्रोसेस होती है या ब्रीदिंग इन, ठीक है, ब्रीदिंग इन, तो हम देखते हैं कि जब और वी कैन से इंस्पिरेशन, और जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तब हम देखते हैं कि एयर एंटर करती है और उस एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है ज्यादा होता है। इनसाइड द लंग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसलिए जो गैसेस होती है वो अपनी हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर मूव करती है, ठीक है। एटमोस्फेरिक एयर टू लंग्स, तो अंदर जो है एयर वो कम होती है, आउटसाइड एयर ज्यादा है तो वो लंग्स में मूव कर रही है। देखो ये तो होता है इनहेलेशन के टाइम, लेकिन जब एक्सहेल होती है एयर तो उसके अंदर, ठीक है, एक्सहेलेशन के टाइम क्या होता है, एक्सहेलेशन एयर में हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो O2 होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कंज्यूम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में आवर बॉडी सेल यूज्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या करती है, यूज करती है, इसलिए ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है, इसलिए CO2 की कंसंट्रेशन एक्सहेल एयर में बढ़ जाती है। देखो इनहेल्ड एयर में ओनली 0.04 थी, ठीक है, 0.04 थी इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी 0.04 थी, लेकिन जब एक्सहेल्ड एयर हुई तो CO2 का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 4। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है एंड CO2 रिलीज होती है, इस वजह से। अगर हम रिएक्शन देखें तो देखो, अगर हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखें तो देखो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे कंज्यूम हो रही है एंड CO2 रिलीज होगी, वाटर रिलीज होता है साथ में एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनहेलेशन के अंदर ऑक्सीजन कम है बिकॉज इट यूटिलाइज बाय अवर बॉडी सेल्स इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।